हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्यूटीफुल तनु रेमेडीज़। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ प्राइमर बनाना। प्राइमर बनाना बहुत इजी होता है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए ये डाबर का गुलाब जल, जो आपको किसी मेडिकल या कॉस्मेटिक शॉप पे मिल जाएगा। और दूसरा ये मुझे चाहिए ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी आपको किसी कॉस्मेटिक शॉप पर मिल जाएगी। फिर लेना है हमको एलोवेरा। एलोवेरा जेल भी आपको किसी मेडिकल या कॉस्मेटिक शॉप पे मिल जाएगा। उसके बाद सबसे मेन चीज़ आपको चाहिए ये जॉनसन बेबी क्रीम। जॉनसन बेबी क्रीम से आपका जो प्राइमर है बहुत निखर के आएगा, आपके चेहरे पे ग्लो करेगा, अच्छे से मॉइस्चराइज़ करेगा। तो ये लिया है मैंने जॉनसन बेबी क्रीम। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको चाहिए एक खाली कंटेनर। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच ग्लिसरीन। मैं डालूंगी आधा चम्मच ग्लिसरीन इसमें। ये ले ली मैंने आधा चम्मच ग्लिसरीन। उसके बाद चाहिए हमको एक चम्मच एलोवेरा जेल। ये मैंने लिया है एक चम्मच एलोवेरा जेल। उसके बाद चाहिए हमें आधा चम्मच गुलाब जल, क्योंकि मैं थोड़ा बना रही हूँ प्राइमर। आपको अगर ज़्यादा बनाना है तो इसकी क्वांटिटी उतनी ही डबल कर दीजिए आप। ये ले लिया मैंने एक चम्मच गुलाब जल। और ये चाहिए हमको जॉनसन बेबी क्रीम। ये आपके चेहरे पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये बच्चों के लिए है, तो ये केमिकल फ्री भी होती है। इसमें उतने केमिकल नहीं डलते जितने हम लोगों की क्रीम में केमिकल्स होते हैं। तो इसको एक चम्मच हमने ये ली क्रीम। आप क्या करना है, इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है। इस तरीके से आपको अच्छे से इसको मिक्स करना है। पहली बात तो ये, आप अगर हैवी मेकअप करते हैं तो उससे पहले आपको चाहिए कि आप अपने चेहरे को पूरी तरह से मॉइस्चराइज़ करें, ताकि आपके जो प्रोडक्ट होते हैं आपको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं करें। और दूसरी बात ये होती है, कोई कोई लेडीज़ होती हैं जिनको मेकअप ज़्यादा करना पसंद नहीं होता है, वो भी इस प्राइमर को यूज़ कर सकती हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। और इसको भी आप एक हफ्ते तक स्टोर करके रख सकती हैं, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि फ्रेश बना के लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखा दूँगी अपनी चीक्स पे। चीक्स पे क्यों, पूरे पे अप्लाई। इस तरीके से आपको पूरे में इसको अप्लाई करना है। इस तरीके से आपको अच्छे से मेकअप करने से पहले ऐसे अप्लाई करना है। इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे तो आपका मेकअप काफ़ी निखर के आएगा। इसको यूज़ करने के बाद आप फाउंडेशन, कंपैक्ट या कंसीलर कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आप यूज़ करेंगे। इसको लगाने के बाद कम से कम 2 या 3 मिनट आपको इसको अच्छे से मॉइस्चराइज़र अपने चेहरे पे अप्लाई करना है, अच्छे से लगा रहने दें। उसके बाद अगर 2 या 4 मिनट तक आपको करना है, उसके बाद ही आप कोई भी मेकअप यूज़ कर सकते हैं। या तो आपका फाउंडेशन हो, कॉम्पैक्ट हो, या कोई भी आप मेकअप करते हो, तब उसके बाद ही अप्लाई करना है। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।